हाय फ्रेंड्स, मैं दिग्गज सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच में आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपीपीवी द्वारा जो 2022 का एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया गया है अभी वर्तमान में, और उसमें प्रथम वैकेंसी, आगामी वैकेंसी आने वाली है स्टेनो ग्राफर और स्टेनो टाइपिस्ट ग्रेड 3 में, और इसमें आता है ग्रुप 4 में ये वैकेंसियाँ सब। और इसका कितने नंबर में क्या क्या सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने नंबर पेपर होगा उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। ठीक है, देख लेते हैं हम। समूह 4 इसमें वैकेंसी होती है, यह तृतीय श्रेणी की वैकेंसी है। कौन सी? तृतीय श्रेणी की वैकेंसी है और यह 10+2 से ली जाती है, मतलब जिसका 12th पास होगा वह कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई कर सकता है। और इसमें बहुत सारी वैकेंसियाँ होती हैं। इसमें सहायक ग्रेड 3 होती है, स्टेनोटाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री, कनिष्ठ सीक्रेट लेखक, आईटी ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, आशुलिपिक और अन्य बहुत सारी जो भर्तियां होती हैं इसमें ग्रुप 4 में। और इसके सिलेबस में पूरा पेपर 100 नंबर का होता है और एक ही प्रश्न पत्र पेपर होता है, और उसके बाद आपका जो टाइपिंग वगैरह हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग होती है और आपका डिप्लोमा मांगा जाता है CPCT हो। तो इसमें पूरा पेपर 100 नंबर का होता है और एक पेपर होता है 100 मार्क्स का, और इसमें अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस किस सब्जेक्ट से पूछा जाते हैं? इसमें 6 सब्जेक्ट है आपके लिए। ठीक है, पहला है सामान्य ज्ञान, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सामान्य ज्ञान में आपका सामान्य ज्ञान में हिस्ट्री, पॉलिटिकी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक और वन स्टेटिक्स और विविध से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, और करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्य हिंदी दूसरा क्वेश्चन ये है आपका। फिर सामान्य अंग्रेजी तीसरा क्वेश्चन आपका ये है। सामान्य अंग्रेजी से आपका क्या आर्टिकल आ जाता है, प्रीपोजिशन आ जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाता है आपका, और नरेशन आ जाता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और सेंटेंस आ जाता है, सेंटेंस क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, और टेंस से भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, नाउन प्रोनाउन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन से, मतलब सिंपल, इतना ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा। फिर उसके बाद आपके अगली बारी आती है आपकी सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित जो सिंपल मैथ्स आती है, सामान्य गणित। ठीक है, इसमें बहुत सारे चैप्टर, ज़्यादातर चैप्टर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, फिर LCM SCF से, फिर डेसिमल से, दशमलव पद्धति से, फिर सिंप्लीफिकेशन, फिर आयु अनुपात, समानुपात, फिर आपका संख्या पर आधारित प्रश्न, फिर हर एक एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। फिर एडवांस मैथ्स में मेंसुरेशन से आ जाएगा, 2D 3D से, और वॉल्यूम से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, ज्योमेट्री से एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं आराम से, LCM जो आपका MPBS का थोड़ा बहुत था वो का भी पूछा जाएगा। आप इसको करने के लिए SSC को फॉलो कर सकते हो, SSC के मैथ्स को फॉलो कर लेना, तो SSC के मैथ्स से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। ये सामान्य ज्ञान हो गया, सामान्य हिंदी हो गया, सामान्य अंग्रेजी हो गया। फिर इसके बाद आता है आपका सामान्य अभिरुचि, मतलब रीजनिंग, सामान्य अभिरुचि। फिर इसके बाद अगला पोर्शन है आपका, ये 6 पोर्शन से बनते हैं आपके, सामान्य कंप्यूटर। ठीक है, ये 6 पोर्शन है आपके लिए और इसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
देखो एक बार रिपीट करता हूँ, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, जनरल मैथ्स और जनरल अभिरुचि और जनरल कंप्यूटर। मतलब जनरल मतलब सामान्य रूप से, न ज़्यादा टफ पूछा जाएगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बस प्रैक्टिस आपका 100 नंबर पेपर आएगा और बहुत कम समय में ही पेपर करना रहेगा आपको और पूरा 100 नंबर का मार्क्स का रहेगा। और इसके बाद आपका जो भी आपका टाइपिंग वगैरह का रहेगा, हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग का, वो तो आप सब CPCT वगैरह कर ली होगी आपने, DC वगैरह कर रखा हो मान्यता प्राप्त से, और आपकी टाइपिंग भी मांगी जाएगी। पहले आपको ये पड़ाव पार करना पड़ेगा, उसके बाद ये आता है। और इसका जो किस सामान्य ज्ञान से किस सब्जेक्ट से और सामान्य हिंदी से कितने किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनते हैं, और सामान्य अंग्रेजी का पूरा सिलेबस, सामान्य गणित का पूरा सिलेबस, सामान्य अभिरुचि का पूरा सिलेबस और सामान्य कंप्यूटर का पूरा सिलेबस मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। ये मोटे रूप से मैंने वीडियो बना दिया है, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और फर्स्ट भर्ती यही आपके आगामी जो September 2022 में आने वाली है, September 2022 में प्रथम वैकेंसी आने वाली है, यही है वैकेंसी के आधार पर। पहले ये वैकेंसी पास करो, फिर ग्रुप 1 ग्रुप 2 और ग्रुप 4 का तो हो गया, ग्रुप 5 का सिलेबस भी मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो कल बनाकर। ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, जो भी वीडियो अपलोड होता है तुरंत प्रभाव से आपको पास पहुंच जाएगा। और आई बेल बटन जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।